आज लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने झंडा फहराया और सभी रस्में अदा की। इस दौरान जिला लुधियाना के नव नियुक्त प्रधान ने कांग्रेस भवन में झंडे की रस्म अदा की, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने इलाकों में इस रस्म को बखूबी निभाया। असी जो साडे जो पार्टी के पूर्वजा ने कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी का बीड़ा चुकया सीगा और उस तो बाद समान सारे लोगों वास्ते संविधान का निर्माण किया जिदे नाल सारे वर्गों नू हक मिले। असी वो जो सानू उन्होंने संदेश दिते आ उन्होंने अगे इस तरीके चलाते रहेंगे चलते रहेंगे उस पदचिन्ह के उत्ते। अज हलका आत्म नगर के 70वां गणतंत्र दिवस का दिहाड़ा मनाया गया। अज का दिन मैं समझदा जिथे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने आज दे दिन 26 जनवरी 1950 नूं भारत का संविधान लागू किया, जिस संविधान के अंदर सारे धर्मों के लोगों नूं सब फिरकियां नूं सारियां जातियां नूं सारे वर्गों नूं एक इस तरह की प्रतिनिधता दित्ती कि सारे इस आज़ाद भारत दे विच माण महसूस कर सकन। देखो अज मैं सारे तो पहला 26 जनवरी जिहड़ा रिपब्लिक डे अपना 70वें दे सारी इहनूं वधाई देना चाहुंदा। मैं ये कहना चाहुंदा भी जिद्दां अज मोदी साहब ने एक स्वच्छ भारत का अभियान चलाया आ ये सानूं अज प्रण करना चाहिए भी असी अपने देश नूं अगे लिजाण वास्ते अपने इत्थे दी सारी चीज़ां नूं सफाई देण वास्ते और वधिया अपना एक माहौल बनाउण वास्ते सानूं सारयां नूं काम करना चाहिए।